गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कलका के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। सच्चाई की जीत, चैप्टर का नाम है सच्चाई की जीत। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। इन कठिन शब्द को 10-10 बार आप लिखकर घर के बड़े सदस्यों को दिखाएंगे। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें आप याद कर सुनाएंगे। जैसे झोपड़ी, कुटिया, ढंग, तरीका, निढाल, बहुत अधिक थका हुआ, काश अच्छा होता, एहसास, ज्ञान, अनुभव, तुरंत, तभी, झेलना, सहना, अंत, आखिर, इनको याद करके लाएंगे। सच्चाई की जीत, ये लोग भी जानते हैं कि झूठ का जीत तनिक देर के लिए ही होता है। झूठ कितना भी बलवान हो, वह कुछ समय के लिए तो जीतता है, लेकिन बाद में उसकी हार हो जाती है। और कहा भी गया है, अंत भला तो सब भला। इसलिए सच्चाई का मार्ग हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता उसे कभी हार नहीं मिलती। सच और झूठ में कभी भी सच्चाई की ही जीत हुई है, चाहे वह युग युग से भी देखा जाए, इतिहास पलट कर भी देखा जाए, तो सच्चाई की ही जीत सदैव हुई है। सच्चाई कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है, लेकिन जीत सच्चाई की ही होगी, या सच है। इसलिए सच्चाई की मार्ग से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा इस किताब में भी दिए गए हैं कि सच्चाई की जीत एक कहानी के बारे कहानी है। एक बहुत गरीब किसान था, वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किसान बहुत गरीब था, फिर भी वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसमें हुई फसल को बेचकर उसे बहुत थोड़े से रुपये मिलते थे। उन रुपयों से वे दोनों ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। गरीब, ऐसा गरीब जिस व्यक्ति के पास में अपनी आमदनी से, अपने परिश्रम से इतना ही आता था जिसमें वह अपना और अपनी बेटी का ठीक ढंग से खा भी नहीं पाता था, न स्वयं खा पाता सही से, न बेटी को खिला पाता हुआ गरीब किसान। गरीब जरूर था, परंतु बेईमान नहीं था। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है।
और एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। अब जो इंसान ठीक ढंग से खा भी नहीं सकता, अपने बेटी को खिला नहीं सकता हो, तो अवश्य किसी न किसी के दरवाजा अवश्य खटखटाएगा। वही हाल उस किसान के साथ भी था। उस किसान ने एक दिन राजा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन खेती करने के लिए दे दी। राजा दयालु थे, इसलिए राजा ने उस किसान की समस्या को सुन करके उस राजा को मन को काफी दुख हुआ और उसने उस गरीब किसान को अपनी जमीन खेती करने के लिए दे दिया। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी। राजा ने कहा कि यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। राजा ने कहा, जमीन तो हमारी ही होगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब जो इंसान भूखा प्यासा हो, उसे अगर कोई कुछ दे देता है खाने के लिए, तो वह समझता है दुनिया का बहुत बड़ी चीज मुझे किसी ने दे दिया। वही हाल इस गरीब किसान के भी साथ। किसान को राजा ने थोड़ी सी जमीन दे दी तो उस किसान को लगा दुनिया का बहुत बड़ा चीज राजा ने उसे दे दिया। इसलिए तह दिल से राजा ने किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब मैं आपको कल आगे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।